आप देख रहे हैं देश खबर 24 और इस वक्त जारी है खबरों का सिलसिला। कॉलेजों में चल रही प्रवेश प्रक्रिया को लेकर लगातार विरोध और हंगामा किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। रीवा में आज एक बार फिर मॉडल साइंस कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए तालाबंदी की और कॉलेज प्रबंधन पर प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता किए जाने का आरोप लगाया है। बता दें कि मॉडल साइंस कॉलेज में मेरिट लिस्ट के आधार पर छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा था। कॉलेज प्रबंधन की इस प्रक्रिया से कई छात्र प्रवेश से वंचित हो रहे थे, जिसका विरोध करते हुए NSUI ने कॉलेज में हंगामा करते हुए तालाबंदी कर दी। कॉलेज में हंगामे की स्थिति के बीच मौके पर पुलिस को पहुंचना पड़ा, जहां हंगामे को शांत कराया गया है। बता दें कि NSUI ने कॉलेज प्राचार्य पर आरोप लगाया है कि वह अपनी मनमानी चला रहे हैं, जबकि शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि जो पहले आए उसे प्रवेश दिया जाए, लेकिन यहां मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है, जिससे कई छात्र हम लोग यहां पे बैठे हैं धरने में। मॉडल साइंस प्राचार्य द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी ने एक आदेश जारी किया है कि बच्चे जो पहले आएंगे पहले एडमिशन पाएंगे, इसमें कोई परसेंटेज की बाध्यता नहीं रहेगी। लेकिन मॉडल साइंस प्राचार्य उस नियम को साइड में करके अभी भी मेरिट बेस पर प्रवेश दे रहे हैं, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री हमारी बात सुन चुके हैं, हम लोग NSUI से हैं, वो हमारे लिए यहाँ पे एडमिशन फिर से खोल चुके हैं, लेकिन इस नियम की धज्जियाँ सिर्फ प्राचार्य द्वारा उड़ाई जा रही। अगर नहीं मानता है महाविद्यालय तो हम लोग यहाँ पे तालाबंदी किए रहेंगे, किसी का प्रवेश नहीं होने देंगे।